વધારી છે આ સંપત્તિ પર કોઈ કમિકા ચારે નોવિત કે એમના નિવેદનને મને વખોડીએ છે इस क्षेत्र के विकास को साधित करने में कोई कोताही नहीं करती लेकिन अंतर हमारी है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। गुजरात के चुनाव में कुछ ही महीनों का फासला बचा है। हर पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुफ्त की रेवड़ियां, सरकारी स्कीम, विकास, रोजगार से लेकर उत्थान तक के कथित जुमले बांटे जा रहे हैं। लेकिन इन दावों वादों के बावजूद पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। कैसे झटका दिया है, कैसे रुझान सामने आ रहे हैं, हम आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत मोदी की रैली की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे गुजरात की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। आप ट्वीट देखिएगा, संजय झा है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल की भावनगर में विशाल जनसभा। कैसी जनसभा है, कैसे विशाल है, पहले तस्वीरें देखिए, फिर आगे का मामला बताते हैं। संपत्ति ने वधारी छे, आ संपत्ति पर कोई कमिका क्यारे न विके, एमना निवेदन ने मैंने वखोड़िए छे। मत मेळावा माटे आवा भाग लेवाનો પ્રયત્ન જે કોંગ્રેસ વર્ષોથી કરતી આવી છે, વિકાસ નામે મે મોટો જીરો છે, મોટો મિંડો છે, ક્યારે એમને વિકાસ કર્યો નથી, વિકાસ કેવી રીતે કરી શકાય એ પણ એમને ખબર નથી। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गुजरात का भावनगर है। कैसे भावनगर ने भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ही भाव देने से मना कर दिया है, नकार दिया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कैसे खाली कुर्सियों को ही भाषण पिलाया जा रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जो लोग मौजूद हैं वो उठकर जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। एलईडी भी लगाई गई है, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव के रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इन खाली कुर्सियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी के गुजरात में जिस गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं ये लोग, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हो चुका है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की भी तस्वीरें दिखाते हैं, इनकी भी रैली का हाल देखिए कि जहां पर ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली का हाल क्या हो चुका है। जहां पर 2400 बसें लगाकर लोगों को बुलाया गया, उस रैली का क्या हाल है, तस्वीरें देखिए, फिर आगे आपको मामला बताते हैं कि गुजरात में कैसे भारतीय जनता पार्टी की भयंकर फजीहत हो रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये 28 अगस्त की रैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं, लेकिन जनता है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कुर्सियां कैसे खाली पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो लगभग 75% कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनना तक नहीं चाहता है। सरकार बनाने की तो बात अलग की है, जहां पर डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है, विकास का मॉडल का दावा किया जाता है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का अब शिलान्यास किया जा रहा है, स्कीमें बताई जा रही हैं, कई तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं, वहां पर ही जनता ने कैसे नकारा है, कैसे फजीहत की है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बता दें कि इन तस्वीरों को, इन वीडियो को शेयर करते हुए आनंद प्रकाश लिखते हैं कि गुजरात में 2400 सरकारी बसें भी लगाई गई, लेकिन फिर भी मोदी जी की कोई सुनना नहीं चाहता है, इतनी मेहनत करने पर भी भीड़ नहीं बढ़ा पाए। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इकट्ठा की गई है, 2400 बसें लगाई गई हैं, 3 लाख से ज्यादा लोगों
को खाने की व्यवस्था की गई, बसें लगाई गई, सरकारी बसें लगाई गई, लेकिन लोगों ने फिर भी भीड़ जुटाने से साफ इनकार कर दिया है। कैसे खाली कुर्सियां पड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप तस्वीरें भावनगर की देख सकते हैं, गुजरात की, कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रैली में खाली कुर्सियां पड़ी हुई है। हाल देख सकते हैं गुजरात में, जब चुनाव अपने सर पर है, दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तब आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। इसी तरह की तस्वीरें आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से भी सामने आई थी। अगर आपको तस्वीरें नहीं याद है तो तस्वीरें देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था 2022 में ही, तो क्या हाल था। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो चुनाव में जो रुझान आते हैं, इसको लेकर आखिर क्यों विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है कि ये नतीजों में तब्दील नहीं हो पाता है। पहले सीएम योगी की आप रैली का तस्वीरें देखिए कि कैसे खाली कुर्सियां पड़ी है। योगी आदित्यनाथ धारा प्रभा बोले जा रहे हैं, देख सकते हैं ये 2022 की ही तस्वीरें हैं। हाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। कानपुर रैली में कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ धारा प्रभा बोले जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने को तैयारी नहीं है। कैसे सामने खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, आप हाल देख सकते हैं। इसी तरह की तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों ने साफ साफ 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में पब्लिक ने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को नकारा। तरह तरह की खबरें सामने आई कि आप देख सकते हैं कि एक और खबर आपको दिखा देती हूँ कि अमित शाह बैठे हुए, आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए, और लिखा हुआ है कि वाराणसी नाश्ते का पैकेट कुर्सियों पर रखा होने के बावजूद जनता नहीं आई। चेहरे की मायूसी बता रही है कि अमित शाह और योगी सोचने पर मजबूर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल है। इसी तरह की तस्वीरें मिलती जुलती गुजरात से भी सामने आ रही हैं। तो इसीलिए जब ये ऐसा हाला होता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, इसीलिए विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है कि ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं, लोग नकार देते हैं, सांसद विधायक तक बीजेपी के दौड़ाए जाते हैं, भगाए जाते हैं, उसके बावजूद ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये नतीजों में तब्दील क्यों नहीं होती हैं। आपने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही कि ईवीएम में खेला हो रहा है, बटन साइकिल का दबाया जा रहा है, कमल की पर्ची निकल रही, कहीं पर साइकिल का बटन ही नहीं है, लगातार भीड़ को गुमराह किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो अधिकारी हैं अपना दबदबा दिखा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी हमलावर रही। उसके बाद आपने देखा कि कैसे नतीजे आए कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत गई। उसी तरह की तस्वीरें गुजरात से भी सामने आ रही है। कहने को तो ये रुझान है, पब्लिक का मूड है, जनता का मन है कि पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को ही नकार दिया है, रैलियों में नहीं आ रही है। लेकिन इसके जब ये ऐसी तस्वीरें सामने आती है और ये तस्वीरें नतीजों में नहीं तब्दील हो पाती हैं, तभी आरोपों की झड़ी लग जाती है कि खेला हुआ है, ईवीएम में खेला हुआ है, इस बार भी खेला किया गया है। इस तरह के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी जब घिर जाती है, तब कहती है कि ईवीएम का रोना रोते हैं। लेकिन रोना रोने वाला हाल तो इनका तब हो जाता है जब ये लोग चुनाव प्रचार में निकलते हैं। चुनाव प्रचार में कैसी तस्वीरें सामने आती, कैसे बेइज्जत किया जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब बहुमत मिलता है, तब सवाल बनता है। इन सवालों पर आपको क्या लगता है कि जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो वीडियो सामने आते हैं, खाली कुर्सियां पड़ी होती हैं, आखिर क्यों ये नतीजों में तब्दील नहीं हो पाती हैं? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिल जाता है, हर बार लगभग हमेशा जीत पर दर्ज करती है? आपको क्या लगता है कि इस खेल के पीछे क्या खेल चल रहा है? सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर